स्ट्रेच कमांड और रेड कमांड, दोस्तों हम यहाँ से एक लाइन कमांड लेते हैं, लाइन कमांड लेके हम एक कोई भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने एक स्ट्रक्चर बनानी, दोस्तों पहले हम अब सीखेंगे स्ट्रेच कमांड। तो दोस्तों यहाँ से हम कमांड बार से स्ट्रेच कमांड पे हमने क्लिक किया, ये पूछ रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों हमने इसको इतने को हमने सेलेक्ट किया और इंटर किया। अब हमें यहाँ से इसको स्ट्रेच करना है, दोस्तों हमने स्ट्रेच कमांड ले लिया, जैसे इस पर सेकेंड पॉइंट, और यहाँ से हमने दोस्तों हमें यहाँ से उठा के दोस्तों इसको हमें यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर यहाँ से उठा के जितना हमें स्ट्रेच करना हो, जितना हमें यहाँ से स्ट्रेच करना है उतना हमें यहाँ तक इसको हमने स्ट्रेच कर लिया। दोस्तों हम इसके हम दोस्तों यहाँ से लेंथ बढ़ा भी सकते हैं और स्ट्रेच कमांड से घटा भी सकते हैं। फिर हम जैसे कि हमने स्ट्रेच कमांड लिया और हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फिर इंटर किया, फिर हमने यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से इसके लिए छोटे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम स्ट्रेच कमांड से लेंथ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। दोस्तों अब हमने सीखा स्ट्रेच कमांड, फिर अगला हम अब सीखेंगे रोटेट कमांड। फिर दोस्तों यहाँ से हम ये रोटेट कमांड पर हम क्लिक करते हैं, ये पूछ रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सेलेक्ट किया और फिर इंटर किया, फिर ये पूछ रहा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हमें किस पॉइंट के बेस पर हमें रोटेट कराना है। दोस्तों हम जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अब इसके थ्रू हम रोटेट करा सकते हैं। अब दोस्तों ये हमें 90 डिग्री रोटेट हो रहा है क्योंकि हमारा ऑर्थो ऑन है, फिर हम एफ से ऑर्थो ऑफ कर लेंगे। अब दोस्तों हमें जिस एंगल पे चाहिए उस एंगल पे हम इसको रोटेट करा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा स्ट्रेच कमांड और रोटेट कमांड। दोस्तों इसमें कोई भी पॉइंट नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।